जो किले जिसको बोलते हैं या फिर जिसको हिंदी में बोलेंगे गोपेश्वर है ना। देखिए सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि किले जो होता है क्या है, वो किस करने किसे बोलते हैं, ठीक है। और इससे पेपर से इसका बेसिक का अपन जान लेते हैं कि भी थोड़ी सी स्टेप्स की बात करेंगे अपन बाद में, है ना। सबसे पहले ये मतलब अपना मोटा मोटी समझ लेंगे कि भूप्रेस करने किसको बोलते हैं। जब अपन खेतों में खरपतवार वगैरह जो हटाने की क्रिया होती है, मिट्टी कटने की जो क्रिया होती है, उन सभी जो क्रिया होती है जो फसलों के साथ खून बनाने का जो काम करती है, उनको बोलते हैं भूप्रेस करने या टिले। आगे आएंगे टाइम क्यों आएंगे, टाइम पड़ेगा अपने ना। तो और इससे पहले देखो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री अपन जान लेते हैं कि टिले शब्द क्या था, किसने दिया था, ठीक है। तो जो टिलेज का शब्द है वो 17 जो ये था अपने जेथ्रो टुल, ठीक जेथ्रो टुल ने यूएसए का साइंटिस्ट था, अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, ठीक है। इसने जो सबसे पहले बताया था कि जो ये भूपृष्ठ करने या टिलेज वो एक मतलब साइंटिफिक शब्द था, वो इसने जेथ्रो टुल ने दिया था, कब दिया था, 1731 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसने जेथ्रो टुल ने बताया, इसीलिए इसको खातरों के लिए के नाम से भी जानते हैं। टिलेज है ना, जैसे हिंदी में कहें तो जो ये टिलेज या भूपृष्ठ कर्म का जनक है वो है जेथ्रो टुल, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जो जेथ्रो टुल है वो टिलेज के साथ साथ में एक और अपने पहले पढ़ा था वेद है ना, जो खरपतवार विज्ञान का जनक भी जेथ्रो टुल की कहा जाता है। जो खरपतवार है ना, देखो तो खरपतवार होते हैं वो उनको हटाने की जो क्रिया होती है वो भूपृष्ठ करने का लक्ष्य है ना। तो देखो एक तो वेद साइंस का ये जनक हो गया, दूसरा जो उनके डाले की क्रिया ये भी इसने बताया था, ठीक है। जो भूपृष्ठ करने सत्ता सबसे पहले इसने दिया था 1731 में, तो ये भी इसका जनक हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज ध्यान में रखना, जो खरपतवार का जनक है वो जेथ्रो टुल है, और इसका आप टिलेज या भूपृष्ठ कण का जनक है वो भी जेथ्रो टुल है, ठीक है। अब इसके अपना डेफिनेशन की बात करेंगे कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, खरपतवार किसे बोलते हैं ना। देखो प्रसिद्ध सिद्ध है अपना मृदा में ऐसी क्रियाएं करना है ना, वो क्रियाएं करना जिससे खरपतवार नष्ट होते हो और फसलों के अनुकूल मृदा का निर्माण होता हो, उस क्रिया को अपने जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को क्या बोलते हैं, भूपृष्ठ कण या टिलेज बोलते हैं ना, ठीक है। तो देखो मृदा को इसकी डेफिनेशन एक बार आप देख लेना, मृदा को भौतिक दशा के रूप में, मृदा को भौतिक मान जैसे मृदा की जो मिट्टी अपन पटने की क्रिया होती है वो, या फिर इसको अपन बोल देते हैं मृदा को तैयार करना किसके अकॉर्डिंग, फसलों के अकॉर्डिंग, फसलों के या फिर फसल उत्पादन के अनुसार तैयार करने की मृदा को जो फसल उत्पादन ये तैयार करना एक बार कर लेते हैं, मृदा को फसल उत्पादन के अनुसार तैयार करने की क्रिया को भूपृष्ठ या टिलेज कहते हैं, भूपृष्ठ या टिलेज कहते हैं, ठीक है। देखो अब मृदा को तैयार कैसे करते हैं, अपने कल्टीवेटर वगैरह चलाते हैं, खरपतवारों को हटाने की भी एक प्रकार की भूपृष्ठ किरण है, ठीक है। दूसरा जो अपन खेत में निराई गुड़ाई करते हैं ना, जैसे बुआई के बाद में देखो इसके अगर अपन टाइप पड़ेगा ना, टाइप को कितने प्रकार के उस टाइप जो प्राथमिक होते हैं ना, जीरो टिलेज होता है, आधुनिक के लिए होता है, ठीक है। ये आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अपन खेत में बुआई से पहले एक वो हो गया, बुआई से पहले अपन खेत को समतल करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे खड़ी फसल में अपन निराई गुड़ाई करते हैं, वो भी एक टिलेज का ही भाग है, ठीक है। अब अपना टिलेज में देखें कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टिलेज के मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या है,
रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कौन सी जो ऑब्जेक्ट है जिसको अपन ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रोल को नष्ट करना, खरपतवारों को नष्ट करना। अब देखो जो डिलेज के द्वारा आपने जो बताया था खरपतवार, जो खरपतवार विज्ञान है वो डिलेज और एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर देखो जो बोई करने से पहले अपने खेत को समतल करेंगे उसमें बीड वगैरह होगा तो उनको जो डिलीट करने का काम है वो अपने भूपरिष्करण के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर ऑब्जेक्ट अपना हो गया खरपतवारों को नष्ट करना। दूसरा मृदा के नीचे, मृदा को ये आप जितने के कहते हैं मृदा को पलटना, देखो जो मृदा होती है उसको पलटना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने एक एक जो फसल बीज रहे होते हैं ना तो मृदा की जो एक फिक्स गहराई तक इनकी चली जाती है, तो उसके पौधे होते हैं उनकी अधिक गहराई में तो चले जाती नहीं है, तो फिक्स से गहराई तक जाती है। तो अपन क्या करेंगे जो फिक्स गहराई तक फंस जाएगी ना उनमें क्या होता है वहाँ फिर जो एक लेवल बढ़ जाती है, लेवल से क्या होता है वहाँ के पोषक तत्व वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे मृदा को पलट देंगे, है ना, मिट्टी पलट देंगे। मिट्टी के पलटने वाले बहुत सारे आते हैं तो मिट्टी पलट देंगे, इससे क्या होगा जो ऊपर वाले पोषक तत्व वो नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो दो नंबर ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया कि मृदा को पलटने का काम है वो भूपरिष्करण के द्वारा करते हैं। इस जो मृदा की कठोर सतह या परत को तोड़ना, आप देखो क्या होता है कई बार अपन कंटिन्यू की फसल की बुआई करते हैं या फिर अलग अलग बुआई करेंगे सिंचाई से क्या होता है एक नीचे लेयर बन जाती है, नीचे परत बन जाती है, ठीक है, एक परत बन जाती है, ठीक है। इस परत से नीचे अब क्या होगा जो जैसे अपन सिंचाई करेंगे लवण वगैरह साथ में आकर इसमें एक परत बन गई, ठीक है। परत अगर एक बन गई तो इसमें क्या होगा जो नीचे वाली मृदा होती है इस मृदा में ऑक्सीजन या फिर जो सिस्टम जीव होंगे उनके सप्लाई नहीं होगी या फिर आवागमन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे जो टीलेज के द्वारा इस परत को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, है ना, जिससे क्या होगा जो सिंचाई है पोषक तत्व वो ऊपर से नीचे आसानी तक आ जा सके, है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो आराम से हो सके, ठीक है। इसके बाद में चौथा जो इसका ऑब्जेक्ट है खड़ी फसल में अंतःशिष्य करना, देखो खड़ी फसल में अंतःशिष्य किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से जो अपन निराई गुड़ाई करना है वो एक प्रकार से हो गया कि अपना खड़ी फसल में भी कर सकते हैं, ये एक जो अपने भूपरिष्करण का पार्ट आ गया, भूपरिष्करण का भाग आ गया, ठीक है। चौथा पांचवा इसका है कीट पतंगों को नष्ट करना। अब देखो कीट पतंगों को खरपतवार जो भूपरिष्करण है इसके द्वारा अपन कैसे नष्ट कर सकते हैं, ना देखो अपन मिट्टी पलटेंगे, है ना, एक खड़ी फसल में भी पलट सकते हैं और फसल बुआई से पहले भी पलट सकते हैं, ठीक है। फसल पलटेंगे तो उसमें क्या होगा जो अपन कीट वगैरह होते हैं, है ना, जो कीट वगैरह फसल को तो लगते हैं वो कीट जमीन के अंदर अपने अंडे देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे मिट्टी पलटने वाले से मृदा पलटेंगे तो जो नीचे वाले कीट है वो ऊपर आ जाएंगे, वो उनको या तो जो दुश्मन उनके होते हैं जो मतलब दूसरी जगह वगैरह वो उनको खा जाएगी, अगर वो नहीं खाएगी तो सूर्य के टेम्परेचर से जमीन के ऊपर आएंगे तो सूर्य के टेम्परेचर से उपड़ेगा तो उससे वो मर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसका जो ये अपना भूपरिष्करण है इसके द्वारा अपन कीट और पतंगों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके इसका लास्ट जो मेन इसका उद्देश्य वो है मृदा सतह तक सूर्य का प्रकाश पहुंचाना। अब देखो मृदा के जो अपने पलटने का काम करते हैं अगर मिट्टी बार बार पलटती रहेगी तो सूर्य का टेम्परेचर बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि बीच में कोई परत वगैरह नहीं रहेगी, परत वगैरह
वगैरह होती है तो फिर जो सूर्य का टेम्परेचर जो ऊपर नहीं कुछ पता है ना, क्योंकि अवागमन नहीं होगा है ना, जो एयर वहाँ पे ऑक्सीजन का अवागमन नहीं होता, जो टेम्परेचर जो नीचे की लेवल होती है वो अलग रह जाती है, ऊपर वाली लेवल वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर स्कन के द्वारा अपना मिट्टी पलट कर सूर्य का जो टेम्परेचर है वो मृदा को उड़ा पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि की आकृति तैयार करना। भूमि की आकृति तैयार करना, ठीक है, आकृति फ्रॉम किस मतलब से, देखो भूपरिष्करण अपन जो भूपरिष्करण वाले यंत्र होते हैं उसके द्वारा करते हैं ना, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने को क्यारी वगैरह बनानी है, बेड बनाने हैं, नाले बनानी है, ये सारे के सारे भूपरिष्करण के जो यंत्र होते हैं उनके द्वारा अपन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बेड बना देंगे है ना, इस प्रकार से बेड बनाएंगे। ठीक है, एक प्रकार की भूमि की आकृति होगी ना, या फिर बड़ी बड़ी नाले बनाएंगे तो ये एक प्रकार से भूमि की आकृति होगी, बेड बनाएंगे जो क्यारी बनाएंगे होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो मादा के वो आकृति बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके मेन ऑब्जेक्ट हो गए, ये मेन ऑब्जेक्ट ये इस उद्देश्य से अपन भूपरिष्करण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो